हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर किड्स सेवन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी हिंदी क्लास में हम लोग जो आपकी रिमझिम पाठ्यपुस्तक है उसमें संकलित कक्षा चार पार्ट पाँच दोस्त की पोशाक। ठीक है, ये जो है आपके चैप्टर का जो है नेम क्या है, दोस्त की पोशाक। तो ये जो है चैप्टर बड़ी प्यारी सी कहानी है, ये नसीरुद्दीन की कहानी है। तो इसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से जो है एक जो दोस्त होता है वो उसकी जो है जो उसको ले जाने के लिए कहता है कि चलो उनके यहाँ चलते हैं, किसी के घर में जाते हैं वो, तो कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो जब वो कपड़े कहता है कि चलो आप मेरे कपड़े पहन लो, तो उसमें जब वो उसको कपड़े दे देते हैं तो बार बार सबके सामने जाके कहते हैं कि ये जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो आप जो है इस कहानी को आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त की पोशाक। देखो बेटा, इसमें जो है आपकी ये बड़ी प्यारी सी कहानी दी गई है। इसमें एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलने गए। तो इसमें जो नसीरुद्दीन है वो क्या करते हैं कि उनके जो बहुत पुराने दोस्त होते हैं जमाल साहब, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जो नसीरुद्दीन जी हैं वो क्या करते हैं, नसीरुद्दीन अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके उनसे जमाल साहब से जो है मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखो आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में भी जो आप ये चित्र दिखाया गया है इसमें भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि चलो मोहल्ले में कहीं घूम के आए। फिर इसके बाद में देखो जो जमाल साहब हैं, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक में जो है मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कि उनकी जो बहुत ही मतलब उन्होंने मामूली से सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, सादे कपड़े में थे वो, उनकी वेशभूषा बहुत सादी थी, साधारण थी। तो उन्हें क्या जो जमाल साहब थे उनको जो है शर्म लगती है कि भाई मेरे जो कपड़े हैं बहुत साधारण हैं, तो इसलिए वो हैं जाने से मना कर देते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, देखो आगे पढ़ते हैं कि नसीरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात, जो उनके मित्र थे नसीरुद्दीन, उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। ठीक है, अचकन क्या होता है, अचकन होता है लॉन्ग कोट जो होता है, बड़ा जो कोट होता है गोल गले का, उसको क्या बोलते हैं अचकन। तो नसीरुद्दीन जी तुरंत क्या करते हैं, एक जो है बड़ा सा भड़कीली अचकन जो तेज रंग का था, बिल्कुल चमक दमक होती है जिसमें, उसको बोलते हैं भड़कीली। तो भड़कीली एक अचकन, अचकन क्या मैंने बताया आपको, गोल गले का एक लंबा कोट होता है उसको जो है अचकन बोलते हैं। तो एक जो है अचकन निकाल कर लाए और कहा इसे पहन लो। तो वो उसको दे देते हैं कि आप जो है इसको पहन लीजिए। आगे देखते हैं इसके बाद में, इसके बाद इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। वो कहते हैं कि आप इसको जो है अचकन को पहन लीजिए और इसमें आप जो है बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बंठन कर, बंठन कर क्या होता है, किसी भी तरीके से बंठनना क्या होता है, किसी भी तरीके से या अच्छी वेशभूषा से जब बनकर तैयार हो जाते हैं, मतलब कहीं भी जाने के लिए कपड़े आदि से अपने आप को जो है सजा लेना है ना, अपने आप को सुसज्जित कर लेना, एक तरीके से बंठन कर उसको बोला गया है। ठीक है, दोनों घूमने निकल पड़े। तो जब वे दोनों बंठन कर निकल लिए, यानी कि बिल्कुल तैयार होकर दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। जब अपने दोस्त को लेकर के जो नसीरुद्दीन थे वे पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये हैं मेरे दोस्त, खास दोस्त जमाल साहब। वो कहते हैं कि मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वो कहते हैं कि बहुत सालों के बाद आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। देखो इन्होंने कहा था, देखो कपड़े भी दे दिए और बाद में उनके घर जाकर क्या बोल दिया कि इन्होंने, ये जो जमाल साहब हैं ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे मिले हैं, और जो इन्होंने जो ये अचकन पहनी हुई है, जो इन्होंने गोल गले का कोट पहना हुआ है, बंद कोट जो होता है तो लंबा, उसको जो ये पहना हुआ है यह है मेरा है। देखो तो इसमें क्या है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना क्या होता है, एक तरीके से अत्यधिक शर्मिंदा होना, यानी कि उन्हें वो शर्म महसूस होती है कि इन्होंने बता दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है यह है मेरी है।
तो बाहर निकलते ही मुंह बनाकर, यानी कि मुंह बनाकर वो क्या कहते हैं नसरुद्दीन से, उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है, कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है। अकल क्या होता है? समझ या ज्ञान। ठीक है, तुम्हारी समझ या ज्ञान तुम्हें कैसा है, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पड़ोसी है वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी था क्या कि ये जो अचकन पहनी हुई है ये मेरी है। ठीक है ना, तो उसको जो है मुंह बना करके कहते हैं। देखो ये आप जो है फोटो में देख सकते हैं, जो इसमें चित्र दिखाया गया है, इसमें जो है तीनों बातें कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं और ये जिनके घर ये गए थे पड़ोसी। अब इसके बाद में अगले पेज पे चलते हैं। देखो नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई। ठीक है, जो नसरुद्दीन थे उन्होंने क्या कहा माफ़ी मांगते हुए कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें जो है हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब देखो वो दूसरे के घर चले गए हैं, हुसैन साहब, उनका नाम क्या है? हुसैन साहब। अब मैं हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी क्या होता है? जोश में या सरगर्मी जिसको बोलते हैं, उल्लास में, है ना, खुश हो करके गर्मजोशी से उनका जो है स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार क्या होता है? आदर या सम्मान किया। ठीक है, खातिरदारी की। अब जमाल साहब के बारे में पूछा, जब उनसे जमाल साहब के बारे में पूछा, कौन लेके गया था उन्हें? नसरुद्दीन जी लेके गए थे। किसके यहाँ पे? पहले तो वो उनको जो है अपने जो एक दोस्त थे पड़ोसी के घर लेके गए, अब उनको हुसैन साहब के यहाँ पे लेके गए। ठीक है, तो मिलवाने के लेके गए वो, तो वो क्या कहते हैं कि ये जमाल साहब कौन है, वो पूछ लेते हैं हुसैन साहब। तब उनसे क्या क्या कहते हैं वो नसरुद्दीन जी कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखो अचकन के बारे में बोलना मतलब ज़रूरी था, अपनी आदत से मजबूर हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है ना वह अपनी ही है इनकी, है ना, तो कह देते हैं इनकी अपनी ही पहन रखी है इन्होंने। अब देखो फिर क्या होता है, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, अब बाहर आकर बोले कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? उन्होंने कहा कि भाई झूठ बोलने को किसने कहा था कि यह जो अचकन पहनी हुई है यह इन्हीं की है। उन्होंने कहा क्यों? नसरुद्दीन ने कहा कि तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, कि तुमने कहा था, उन्होंने पहले जब बोल दिया था कि इन्होंने अचकन पहनी हुई है मेरी है, अब उन्होंने ये बोल दिया कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह इनकी ही है। अब इस बात पे भी उन्हें जो है जमाल साहब को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हें बताना ज़रूरी था, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि जो अचकन इन्होंने पहनी हुई है यह इन्हीं की है? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाते हो तुम इस पोशाक के बारे में बताते हो कि इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है या इनकी है या मेरी है, कि अगर तुम जहाँ कहीं भी जाते हो वहाँ पे पोशाक के बिना, बात कहे बिना तुम्हारी बात नहीं चलती, उनके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम कहीं भी जा रहे हो तो तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा है, कि इसके बारे में आप बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जमाल साहब को लेकर के नसरुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। फिर उन्हें क्या होता है कि रास्ते में उन्हें दूसरे पड़ोसी मिल जाते हैं। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। ठीक है, जो नसरुद्दीन थे जब दूसरे पड़ोसी मिले, अब उनका जो है परिचय उनसे करवाते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब तीसरी बार भी उन्होंने क्या किया कि फिर भी अचकन के बारे में ही बात करते हुए, कि पहले तो उन्होंने बोला कि ये अचकन जो पहनी है जब पहले पड़ोसी के घर गए यह मेरी है, फिर दूसरे बार जब दूसरे पड़ोसी के घर गए तब क्या बोला कि यह अचकन जो इन्होंने पहनी है यह इन्हीं की है, फिर झूठ बोला उन्होंने। फिर जब तीसरी बार में जब जमाल साहब गुस्सा हो जाते हैं, तो जब तीसरा पड़ोसी मिल जाता है उनसे, उनकी जो है जान पहचान कराते हैं, तो तब क्या कहते हैं कि यह है जमाल साहब और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। यानी कि अचकन के बारे में बात जरूर करनी थी, बार बार मना किया जा रहा था उनको, जमाल साहब बार बार गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जो उनका दोस्त था नसरुद्दीन वो जो है बार बार जो है उसी के बारे में बात कर रहा था। तो बड़ी प्यारी सी आपकी जो कहानी है, आप क्या करेंगे आज इसकी जो है रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरी वन।